नमस्कार, मैं दीदी फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीते 3 दिनों से झालावाड़ जिले के दौरे पर रही हैं। दौरे के अंतिम दिन वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, प्रभारी छगन माहौर, जिला अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की टाल थोकते हुए वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का भी संचार किया। क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने, आपको सुनाते हैं। संसद के इलेक्शन के कार्यालय खोल रहे हैं जी, उसी क्रम में यहाँ का भी कार्यालय हम लोगों ने आज 31 के पहले जो खोलना था वो 30th को आप लोगों ने भी खोल दिया। पार्टी के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर ये चुनाव लड़े जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आराम से और अच्छी तरह से झालावाड़ जिस तरीके से हमेशा परचम फहराता है वैसे ही फिर परचम फहराने का काम। झालावाड़ बड़ा दुर्ग रहा है बीजेपी का, अजय दुर्ग रहा है अभी तक तो आगे भी रहे। रखा है इतने सालों से हमारे कार्यकर्ताओं ने, सब ने एकजुट होकर, एक पारिवारिकता एक दूसरे के बीच में तो है ही, और मुझे लगता है कि उसी के ऊपर आधारित इतने सालों से सब लोगों ने एकता दिखाते हुए ये काम किया। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। झालावाड़ बारान लोकसभा सीट पर बीते 35 वर्ष से भाजपा का कब्जा रहा है, जिसे आगे भी कायम रखा जाएगा और एक बार फिर झालावाड़ बारान लोकसभा सीट पर भाजपा बड़े वोट से परचम लहराएगी। वसुंधरा राजे ने सुबह झालावाड़ के राधा रमन मांगलिक भवन में स्थापित किए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजन अर्चना के साथ शुभारंभ किया।